आज हम सीखेंगे 2 डिजिट और 3 डिजिट्स की मल्टीप्लाई शॉर्ट में कैसे की जाती है। तो पहले हम देखेंगे 2 डिजिट मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 25 × 36। तो वैसे अगर हम इसको करते हैं नॉर्मल मेथड से तो हमें लग जाते हैं लगभग 1 मिनट, और अभी हम इसको 10 सेकेंड्स में करेंगे। पहले तो यहाँ पर मैं फार्मूला लिख दूँ, इन नंबर्स की लास्ट के 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, और लास्ट में हम आगे वाले नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 5 × 6 करेंगे तो 5 × 6 होता है 30, 2 6 12 और 3 5 15। तो ये हो गया 15, ये हो गया 12, इनको प्लस करेंगे हो गया 27, ये हो गया 2 3 6। हमारा आंसर आएगा 0, इन दोनों को प्लस करेंगे आएगा 10, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा 3, और फिर इसमें ये जब 6 प्लस होगा तो ये हो जाएगा 9। तो ये 900 हमारा आंसर होगा यहाँ पे। ओके नाउ नेक्स्ट, ये 3 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई है, तो इसका फॉर्मूला ऐसा है कि पहले लास्ट के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उन्हीं 2 नंबर्स की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। आफ्टर दैट ये यहाँ पे 3 नंबर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आगे के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर लास्ट के 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस मेथड का यूज़ करेंगे, पहले 5 9s यहाँ पे होता है 45, इसके बाद 4 की 9 से करनी है, 5 की 6 से करनी है, तो 4 9s 36 और 6 5s 30, तो 30 और 36 होगा 66। इसके बाद यहाँ पे करेंगे, जब हम 3 की 9 से करेंगे तो आएगा 27, 4 की 6 से करेंगे 24, और 5 की 2 से करेंगे आएगा 10। इनको हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 61। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 6 से आएगा 18, और 2 4s होता है 8, जब हम इनको प्लस करेंगे आंसर आएगा हमारा 26। इसके बाद 3 2s होता है 6। अब यहाँ से 1 by 1 हम डिजिट्स को लेंगे, यहाँ से पहले 5 को लिखेंगे यहाँ पे, ये 4 को छोड़ देंगे, यहाँ पे पहले 5 लिखेंगे, 4 66 से प्लस हो जाएगा 70, आ गया 7 कैरी, यहाँ 7 प्लस करेंगे तो आएगा 68। लाइक यहाँ पे हमने पहले 5 लिखा है, उसके बाद 4 जो था 4 को यहाँ पे प्लस कर दिया, हो गया 70, तो यहाँ 7 कैरी चला जाएगा, 0 आएगा, ये कैरी 7 यहाँ पे आएगा, 68 हो जाएगा, तो 8 आएगा, उसके बाद 6 ये इसमें प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 32, यहाँ पे 2 आएगा, उसके बाद ये 3 इसमें प्लस हो जाएगा तो आंसर आएगा हमारा 9, 9 2 6 9 2 8 0 5।